अज़ियत का शिकार यंग डॉक्टर्स को जरा नहीं ख्याल। लाहौर समेत सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद, मरीजों को डॉक्टर्स मिल रहे हैं ना ही दवा। यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर बजीद। रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर से बदसलूकी के वाके के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल बिला जवाब। वजीर सेहत ने वाके पर नोटिस लिया। गफलत बरतने पर प्रिंसिपल और एमएस को मुअत्तल भी किया, लेकिन यंग डॉक्टर्स ने ताहाल काम शुरू ना किया। अस्पतालों में मरीजों के साथ आए लवाहकीन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल में ओपीडी बंद होने पर लवाहकीन का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। दूर दराज से आए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं मुजाहिरीन। सर्विसेज अस्पताल में भी मुजाहिरा। मरीजों के लवाहकीन की यंग डॉक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी। बगावत केस के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 8 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफी सिरल मेडा का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी पेश। बेगम कलसूम की वफात पर लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं, चहलम के बाद की तारीख दें। वकील नवाज शरीफ, ठीक है मुकदमे को 8 अक्टूबर को सुन लेते हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। हेलमेट पहनो वरना चालान भरो, कार्रवाई का आगाज। हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल सवारों का माल रोड पर दाखला ममनू। खिलाफ वर्जी पर 200 से 700 रुपए तक का चालान होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। माल रोड पर वार्डन्स की नफरी भी बढ़ा दी गयी। जीपीओ चौक में हेलमेट न पहने पर पुलिस कांस्टेबल का भी चालान कर दिया गया। अदालती अहकाम पर मनुअन अमल करवाया जाएगा। सीटीओ चैंबर के इलेक्शन का मार्का। कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीआर फाउंडर्स अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में कांटेदार मुकाबले की तवक्को। भारत की आबे जारहियत। भारत ने रावी, सतलुज और चनाब में पानी छोड़ दिया। दरिया रावी में पानी का बहाव 4000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बड़ा सैलाबी रैला लाहौर की तरफ बढ़ने लगा। तुगयानी का खदशा, फ्लड वार्निंग जारी। रावी के किनारे मुकीम अफराद को मोहतात रहने की हदायत भी जारी। दरिया रावी में पानी का बहाव 35000 क्यूसिक है, जो बढ़कर 75000 क्यूसिक तक जा सकता है। लाहौर शहर और इर्द गिर्द के इलाकों को कोई खतरा नहीं। कमिश्नर लाहौर। बाद जिला में सैलाब का खतरा है, हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने तमाम महकमों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। कहते हैं भारत तियाबी जारहियत के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नाहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ समेत दीगर फरीकहन को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। दरख्वास्त गुजार उस्मान डार। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मजंग में खुली कचहरी, अवाम के मसाइल सुने। वजीर सनअत व तिजारत ने अवामी मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए।